प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के राशिफल के इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चेस रावत। मित्रों इस प्रोग्राम में हम आपको जुलाई के राशिफल की जानकारी दे रहे हैं। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको जुलाई के महीने में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, अगर आपकी राशि के अनुसार कोई काम सूट करता है तो आप कर सकते हैं, और आपकी राशि के अनुसार कोई ग्रह बाधक बना हुआ है तो उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए और उस काम को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। होनी को टालने में ही फायदा होता है। आज हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपके कैरियर के घर में बैठा हुआ है। शनि और आपकी राशि के स्वामी गुरु में द्वंद्व चलता रहेगा। अंतोगत्ता राशि का स्वामी अपने कारक स्थान में है, चंद्रमा के साथ गजकेश राजयोग बना के बैठा हुआ है। काम आपके फेवर में जा रहे हैं, इसका मतलब इस समय आप 12 सितंबर तक कोई काम करना चाहते हैं तो नया काम शुरू कर सकते हैं। गाड़ी भी ले सकते हैं, मकान भी ले सकते हैं, जमीन जायदाद में पैसा लगा सकते हैं, मान सम्मान के लिए अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े पद पर जा सकते हैं, प्रमोशन के लिए बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। लेकिन आपके धनभाव और मेहनत का स्वामी शनि खर्च के घर में बैठा है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे मत करिएगा, पुलिस केस मुकदमे से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो खामखा आपके खर्चे ज़्यादा होते रहेंगे और डिस्प्यूट घर में हो जाएगा। आपकी एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन से संबंधित हैं, आप बच्चे हैं तो आप एडमिशन 11 जुलाई से पहले पहले ले सकते हैं, उसके बाद आपके एडमिशन में कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी, कोई ना कोई लोचा पड़ जाएगा। लोचा मीन्स कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है, परेशानी हो सकती है। लेकिन 1 और 2 जुलाई को आपकी राशि से सप्तम भाव में एक भद्र नाम का राजयोग बना हुआ है जो आपको अपनी पत्नी के माध्यम से लाभ दे रहा है, लेकिन उसके बाद ये आपका बुध मृत्यु स्थान में चला जाएगा। आपके पत्नी के स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपके कैरियर में डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको जॉब से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, इसलिए आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। 3 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इसमें अगर आपने जॉब बदलने का कोई डिसीजन लिया तो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और इस समय पर ये ध्यान करना है, बच्चों को गाड़ी तेज नहीं चलानी, नहीं तो चोट दुर्घटना का योग हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी हार्ड वर्क नहीं करना है, नहीं तो गर्भपात यहां पर हो सकता है। भाग्य स्थान पर राहु पिता के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, उनको हार्ट से संबंधित तकलीफ पैदा कर रहे हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आप भी अपनी उम्र के पड़ाव पर हैं तो आपको भी स्वास्थ्य से दिक्कत तकलीफ आने का योग यहां पर बना हुआ है, इसलिए यहां आपको माणिक पहनना चाहिए, पितृदोष की पूजा और राहु के मंत्रों का जाप कराते रहना चाहिए। इसके कराने से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिल जाएगा। शुक्र आपका स्वराशि में बैठा हुआ है, लाभ का और रोग चोट का, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस महीने आपके ऊपर जो कर्जा है वो मुक्ति हो जाएगी, कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे, लाभ की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, इतना अवश्य है कि दुश्मन आपको कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेंगे, गुप्त जो आपके दोस्त हो सकते हैं उनसे अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये था धनु राशि के अंदर जुलाई का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, या हमारा कंसल्टेशन चार्ज जमा करा करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप देश विदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उस काम को करने से पहले उसका मुहूर्त दिखाना अनिवार्य, पूजा कराना अनिवार्य, और उसका वास्तु चेक भी आपको करवा लेना चाहिए। अगर आप जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारी BCD मंगवा सकते हैं, किताब भी मंगवा सकते हैं और पत्राचार कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। अगली राशि के बारे में अगले एपिसोड में आपको जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर ज्योतिष सीख सकते हैं, या आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं।